हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और जिगरी दोस्त शेखर और आप देख रहे हैं टेक बॉल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस इंट्रो की एडिटिंग के बारे में। तो दोस्तों इंट्रो को हम एडिट करेंगे और कैसे ये होता है इसको दिखाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, जो है पिक्सेल ऐप। तो दोस्तों पिक्सेल ऐप को डाउनलोड कर उसको ओपन करिए, एक ऑप्शन रहेगा इसको ओके कर दीजिए, न्यू टेक्स्ट पे डबल टैप करिए, लिख दीजिए। मैं फिलहाल यहाँ पे टेक बवाल लिख रहा हूँ, आप जो कुछ भी हो लिख सकते हैं। ओके कर दिया, इसको आप एडजस्ट कर लीजिए और ए ऑप्शन पे जाइए, नीचे डाई साइड पे, और फॉन्ट पे जाइए, फिर माई फॉन्ट में जाइए, और जो एक फाइल वाला ऑप्शन है उसको प्रेस करके डाउनलोड्स में जाइए। पहले वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है उसको डाउनलोड कर लीजिए, इसका पूरा क्रेडिट जाता है अबुल फद्दीन को, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड में चले जाइए, स्केच ब्लॉक करके एक प्रीसेट होगा उसको दबा दीजिए और सिलेक्ट करके ओके प्रेस करिए, तो फटाक से वो आपका जो टेक्स्ट है उसको ट्रांसफर कर देगा स्केच ब्लॉक में। और दोस्तों अब डबल लेयर पे जो ऑप्शन है उसमें जाइए और ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट कर लीजिए। तो अब ऊपर में जो सेव का बटन है उसमें जाके इमेज को सेव कर लीजिए, और पीएनजी होना चाहिए नहीं तो पीछे का बैकग्राउंड नहीं हटेगा। फिर से एक टेक्स्ट लिखते हैं, मैं यहाँ पे तकनीकी लिखता हूँ, तो तकनीकी लिख दिया। अब इसको एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट भी कर लिया। फिर और एक टेक्स्ट लेता हूँ प्लस आइकॉन से, और यहाँ पे लिखता हूँ बवाल, तो इसको भी डन कर दिया, ओके प्रेस, और इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर तकनीकी को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके ए ऑप्शन में फिर दोबारा वही मेथड अप्लाई करता हूँ, फॉन्ट में जाकर वो स्केच ब्लॉक वाला ऑप्शन और बवाल में भी वही ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट करेंगे। तो अब सेव ऑप्शन से इमेज सेव कर लीजिए, और पीएनजी याद रखना, पीएनजी नहीं होगा तो नहीं होगा ये वाला इंट्रो। तो फिर से जाइए काइन मास्टर पे और न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए 16:9 पे, मीडिया में जाइए, जो डाउनलोड करे है जो एक इमेज है धुआ सा उसको लेके आइए टाइमलाइन पे। और दोस्तों देखिए जूम इन जूम आउट, तो पहले इसको टैप करिए, क्रॉप में जाके ना आप चाहते है उतना करके स्टार्टिंग पोजिशन में, फिर इक्वल में प्रेस कर दीजिए तो ये नहीं हटेगा। अब टाइमलाइन को थोड़ा बड़ा करके लेयर में जाके मीडिया में चले गए, जो स्केच वाला प्रीसेट है उसको लेके आइए, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, फिर इन एनिमेशन से स्लाइड राइट करके 0.5 कर दीजिए, और आउट एनिमेशन से स्लाइड लेफ्ट करके 0.5 कर दीजिए। मैं फिलहाल थोड़ा सा देख लेता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों जब इसका एनिमेशन खत्म होगा वहाँ पे चले जाइए, जब फिर लेयर में जाके जो टेक्स्ट आप रेंडर किए हैं उसको लेके आइए। मैं टेक बावल लेके आता हूँ, आ गया, थोड़ा जूम करके एडजस्ट कर लेगा। अब थोड़ा सा देख लेता हूँ और उसको पकड़ के ऊपर लेके जाइए, की ऑप्शन में प्रेस करके टाइमलाइन के थोड़ी सी दूर पे लास्ट आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, एनिमेशन के थोड़ा सा हटके उसको नीचे लेके आ जाइए, ऐसा लगेगा कि टेक्स्ट ऊपर से जंप करके नीचे आ रहा है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। सेकेंड तक इसको रखिए और बाकी को ट्रिम कर दीजिए, ट्रिम टू राइट साइड। अब जो टेक्स्ट का लेयर है उसमें आउट एनिमेशन देता हूँ, स्लाइड लेफ्ट करके 0.5 देता हूँ, और देखिए बहुत सीमलेस तरीके से हो जा रहा है। इसमें लेयर पे जाके मीडिया में चले जाइए, और तकनीकी बवाल आप और भी कुछ दे सकते हैं और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एनिमेशन में जाइए, मैं फिलहाल यहाँ पे पॉप डाउन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आउट एनिमेशन वाइप आपको सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब बाकी को ट्रिम कर देता हूँ जो एक्स्ट्रा पार्ट है। तो दोस्तों पहले एक बार देख लेते हैं। अब म्यूजिक में जाइए और टी को सर्च कीजिए, टी ए इंट्रो म्यूजिक, ये सभी वो अबुल फद्दीन का है, तो ये सब डाउनलोड कर लीजिए। फिर इसमें आइए, यहाँ पे जो ग्रीन स्किन वाला जो फुटेज है उसको लेके आइए, और यहाँ पे जो
ग्रीन स्किन के बाकी साइड में कुछ कुछ ब्लैक पार्ट है उसको क्रॉप कर दीजिए, क्रॉप में जाइए और को सीधा क्रॉप कर दीजिए, क्रोमा की से ग्रीन स्किन को हटा दीजिए और बीट अनुजाई उसको थोड़ा सा सामने लेके आइए होल्ड करके। फिलहाल मैं यहाँ पे रखता हूँ। बाई तरफ प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके ऑडियो में क्लिक करिए, नहीं तो ऑडियो फेड हो जाएगा, तो इसको ऑफ कर दीजिए। ऊपर में भी ऑटो मास्टर वॉल्यूम कर दीजिए और ओके। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है उसको वॉल्यूम कम नहीं कर देगा और मैं फिलहाल म्यूजिक के तरीके से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। बाकी को ट्रिम कर दिया, टेक्स्ट वाला को थोड़ा बड़ा कर दिया। अब चला के देखते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा दिख रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ क्रोमा की। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा दिख रहा है, अब इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो ये फिलहाल ऐसा दिखने में लगता है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ही अच्छा होता है, शारीरिक तरफ से मन में शांति देता है ये। तो सब्सक्राइब भी कर देना और साइड वाले घंटी भी दबा देना, क्योंकि मजा आता है। तो फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। टेक बवाल, बजाते रहो, कीप वॉचिंग।